हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। आज धूप निकली है बहुत अच्छी सी, और ठंड के मौसम में धूप निकल आए तो मज़े ही मज़े हैं। और यहाँ पर मैं अपने कुछ प्लांट्स हैं जो ख़राब हो रहे थे ठंड की वजह से, उनको थोड़ा सही कर रही हूँ। उनकी मिट्टी वगैरह एक उससे सही करूंगी, जितने खराब पत्ते हो चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं, इन सबको हटा दूंगी, क्योंकि प्लांट्स की केयर करना तो बहुत ज़रूरी है, वरना वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। ये मेरी तुलसी मैया है, आप लोग देख सकते हैं इनके पत्ते, ये श्यामा तुलसी है, इसलिए इनके पत्ते डार्क कलर के हैं और ये ख़राब नहीं हुई है। पहले छत पे रखी हुई थी तो हमने नीचे रख ली थी। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितनी गंदगी है, और मेरी बेटी ने क्या क्या सामान यहाँ पे फेंका है। और ये मैंने ग्रास मैट और एक डोरमेट रख दिया था, इस पे मैं सारे अपने, और ये मैं सब साफ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स रखे हुए थे और छिपकली है, उसको मैं हटा रही हूँ। हटने का नाम ही नहीं ले रही है, ठंड की वजह से गर्मियाँ होती हैं तो शायद हट जाती जल्दी से, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, उतनी जगह छोड़ दूंगी, बैठे रहने दो, उसे परेशान नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे सब झाड़ मतलब पोछ ले रही हूँ। ये एक प्लांट में बहुत सारा पानी था, ये यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, उसके बाद इसमें पानी कर देते हैं भगवान को स्नान कराने के बाद में, तो वो ही मैं इनसे मना कर रही थी कि अब इनमें पानी नहीं डालना, आप छत पे डालाना, क्योंकि ये प्लांट सारे ख़राब हो जाएंगे ठंड की वजह से पानी से। देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, गंदगी, पत्ते वत्ते। और देखिए मेरे प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये खरगोश है, मैंने बनाया था, ये टेबल मैंने बनाई थी बैट सीमेंट से, ये प्लांट्स मैंने ऐसे बना लिया था। और देखिए मेरे प्लांट्स कितने अच्छे हो रहे हैं इस समय, लेकिन कोई नहीं, देखिए अब मैंने इन्हें धूप में रख दिया है ताकि अच्छे से, और यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और इधर देखिए, मैं आपको पूरे अपने बरामदे का व्यू दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा पुराने समय का बना हुआ है, तो दो कमरे, उसके बाद जो बरामदा बनता था वो वाला शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और कभी कोई भी आपको मेकओवर करना हो कुछ भी, तो क्लीनिंग बहुत सबसे ज़्यादा मोस्ट पार्ट होता है उसका, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो हमारा मेकओवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साफ। फिर उसके बाद देख लीजिए बिल्कुल, अब मैं ये पर्दे डाल दूंगी, पोछा लग गया था, बिल्कुल सूख चुका है, फैन ऑन कर दिया था। अब मैंने अपने सारे प्लांट्स उस वाली दीवार के पास लगा दिए, क्योंकि इधर कोहरे से ख़राब हो रहे थे, और पर्दा हटा रही थी तो वो पर्दे में टकरा रहे थे तो पत्ते ख़राब हो रहे थे। इधर सारी चेयर रख दी है मैंने, और ये सोफे इस तरह से कर दूंगी ताकि थोड़ा सा लुक चेंज हो जाए। मेकओवर क्या मतलब, कुछ चेंज करने को था ही नहीं, बरामदे में वॉलपेपर लगा हुआ था पहले से ही, पर्दे चेंज करने के लिए थे नहीं, मतलब तो मेरे पास दूसरे पर्दे नहीं थे। होली पे शायद थोड़ा सा मैं मेकओवर करूंगी अपने बरामदे का, बस सोफे ऊपर इधर से उधर कर दे रही हूँ, तो उसी में ही थोड़ा चेंज हो जाता है, तो माइंड को बहुत रिलैक्स सा फील होता है। और मैं ये सब करती रहती हूँ। ये कार्टून है, इस पर मैंने वॉलपेपर लगा दिया था और मिरर लगा दिए थे, स्टिकर मिरर, और ये भी देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अब मुझे चेयर उधर समझ में नहीं आई, फिर मैंने उधर रख दी। आप लोगों के लिए सब कुछ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइज।